AM, GM, and HM inequality. AM stands for arithmetic mean. GM, geometric mean. HM, harmonic mean. These are not a topic. This is not a topic of algebra. Rather, it is topic of statistics. कोई भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी जब निकाला जाता है तो उसका एक तरीका होता है मीन. और मीन होते हैं तीन टाइप के, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. और इन्हें निकाला कैसे जाता है, अगर वो अभी निकाला कैसे जाता है हम देखेंगे, मगर यहाँ पे पहले इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो नोट कर लीजिए. फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स AM is greater than equal to GM is greater than equal to HM. For positive real numbers, AM, GM, HM descending order में होता है. सबसे बड़ा AM होता है, फिर GM होता है, सबसे छोटा HM होता है. ये बात hold करती है when the numbers are all positive. दो नंबरों की बात होती है अगर, तो दो नंबरों का AM निकाला जाता है ऐसे. GM होता है उनको multiply करके power half. HM होता है 2 अपॉन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. तीन नंबर हुए तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3. GM के लिए मल्टीप्लाई करके पावर 1 बाई 3. HM के लिए 3 अपॉन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. चार नंबर हो गए इनका सम बाय 4. GM के लिए सबको मल्टीप्लाई करो पावर 1 बाय 4. HM के लिए 4 अपॉन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. सो ऑन यू कैन राइट फॉर एनी नंबर ऑफ नंबर्स. दो नंबरों के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, छह के लिए, कितने नंबरों को लिख सकते हो. ये AM है, बीच वाला GM है, लास्ट वाला हार्मोनिक मीन है HM है. AM, GM, HM आर ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये अपन ने देखा. ठीक है, इसी में आगे ये भी लिख लीजिए AM, GM एंड HM आर ऑलवेज इन अ GP. मतलब वो तीनों खुद आपस में GP में होते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि AM, GM, HM क्योंकि ये GP में हैं तो GM का स्क्वायर विल बी AM इंटू HM. ऐसा भी होता होगा, ये तीनों अगर GP में हैं तो ऐसा भी होता होगा. क्लियर है? एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. एंड द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल मतलब पांच नंबर है, मान लीजिए पांचों टू है. पांच नंबर है, अगर पांचों टू है तो इन पांचों का AM भी टू होगा, GM भी टू होगा और HM भी टू होगा. मतलब अगर नंबर्स इक्वल है तो उनका AM, GM, HM सब सेम होता है. अगर नंबर सारे टू है तो AM, GM, HM भी सारे उनके बराबर ही होंगे. तो इस इनइक्वालिटी को लगाते वक्त आपको बस ध्यान ये रखना है कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव. एक भी नंबर अगर उसमें ऐसा पता है आपको जो पॉजिटिव नहीं है तो ये इनइक्वालिटी यूज नहीं किया जा सकता. सभी को बात क्लियर है? एक प्रॉब्लम लिखिए. इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर प्लस, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
ए बाई बी प्लस बी बाय सी प्लस डी बाई सी बाय डी प्लस डी बाय ए। अगर सारे पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपको इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू पता करना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका। आप चारों नंबरों में एक दो तीन चार, इन चारों में ए एम जी एम लगा लो, आप इन चारों में ए एम जी एम लगा लो, चारों का ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अपन ने कर लिया। ए एम मतलब सबका सम, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी प्लस डी बाई ए बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ए बाय बी बी बाय सी सी बाय डी डी बाय ए पावर वन बाय फोर, ए बी सी डी सब कट जाएगा, वन आएगा। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर्स विल बी, सम ऑफ द नंबर्स विल बी फोर, इस सम का लीस्ट वैल्यू फोर है, ये बात क्लियर है सभी को। अच्छा मान लीजिए अगर मैं कहता ए बी सी डी आर ऑल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, यही सब कुछ रहता या कुछ चेंज करते। हाँ अगर नंबर्स सब अलग अलग है तो पक्की बात है ये चारों नंबर इक्वल नहीं हो पाएंगे। अगर ए बी सी डी अलग अलग है तो चारों नंबर इक्वल नहीं हो पाएंगे, चारों नंबर अगर इक्वल नहीं हो पाएंगे इसका मतलब है इक्वालिटी यहाँ नहीं आएगी। तो हम ये ज़रूर कह पाएंगे कि इसका ग्रेटर मतलब दिस सम इज़ ग्रेटर देन फोर, ऑफकोर्स इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, इसका लीस्ट वैल्यू फोर है ऐसा नहीं बोल पाएंगे। इफ एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स। अभी आपने पिछले प्रॉब्लम में देखा होगा, अच्छा ये बात तो तय है ये ए एम साइड आना पड़ेगा, ए एम साइड आना पड़ेगा क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम होता है, दिस शुड कम ऑन ए एम साइड दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात ये भी क्लियर होना चाहिए कि पिछले प्रॉब्लम में देखो जी एम में सब कट पिट के वन नहीं हो गया था, तो आपको ए एम जी एम ऐसे नंबरों में लगाने का सोचना चाहिए जहाँ पे कि अगर आप इसको ए एम में चाहते हो तो जी एम शुड कम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जी एम शुड कम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपको लगता है कि आपने इन दोनों में लगा दिया तो मल्टीप्लाई करने पे तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, फोर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। लीस्ट वैल्यू कांट बी अ वेरिएबल, एक्स वहां से हटना चाहिए। तो आप बता सकते हैं ऐसे कोई नंबर्स जिनको मैं जिनमें ए एम जी एम लगाऊं, मतलब मैं जिनको जोड़ूं तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो एक्स कट जाए, क्या बोला समझ में आता है? ऐसे नंबरों को आप बता सकते हैं क्या जिनको जोड़ने पे तो ये मिलता हो ताकि ए एम में ये आ जाए और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक्स कट जाए ताकि जी एम शुड कम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऐसा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे तीन एक्स ऊपर है एक एक्स नीचे है, अगर आप मल्टीप्लाई करने पे चाहते हो एक्स कट जाए तो एक एक्स ऊपर कितना है तीन, नीचे कितना है एक, तो नीचे कितना आना चाहिए, नीचे भी तीन ऊपर भी तीन तब कटेगा। तो मेरे को बस करना ये है कि इसको तीन भागों में ब्रेक कर देना, और क्या हो गया काम, इसको तीन भागों में ब्रेक करना है, तीन इसलिए बिकॉज तीन एक्स मेरे को चाहिए। मान लो मैं इसको टी लेता हूँ, आई विल ब्रेक इट लाइक दिस, मुझे बताओ इन तीनों का सम यही होता है कि नहीं? अरे कोई भी नंबर को तीन हिस्सों में डिवाइड करके जोड़ दो तो वही आएगा ना, नंबर वन बाय एक्स को वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड कर तीन बार जोड़ लिया मैंने, फायदा क्या होगा? अगर मैं इन चारों में ए एम जी एम लगाता हूं, अगर मैं इन चारों में ए एम जी एम लगाता हूँ तो मेरे को इनको ऐड करने पे तो टी मिलेगा, यही है,
बट जब मैं चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x तीन बार नीचे आएगा, तीन बार ऊपर आएगा और x कट जाएगा, समझ रहे हैं? तो अब एम जी एम अपन लगाते हैं, इन चारों का एम क्या है? जीएम ये जो न्यूमरेटर में सम है इट इज व्हाट टी बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे एक्स क्यूब कट जाएगा और ये क्या आएगा 4 बाई थ्री क्यूब का पावर 1 बाई फोर, 4 बाई थ्री क्यूब का पावर 1 बाई फोर, ये हो गया तो आप कह सकते हो 4x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है t ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो गया 4 भी वहां चला जाएगा, तो 4 वहां चला गया तो ये हो गया 4 का पावर 5 बाई फोर, जो भी है समझ में आ गया कैसे आता है t का मतलब इसका ये मिनिमम वैल्यू है जो भी आया है, क्लियर है? कोई बता सकता है इस t का जो मिनिमम वैल्यू आया है वो किस x के लिए आया है? मिनिमम वैल्यू क्या आया मालूम चल गया, अब आपको मैं पूछ रहा हूँ किस x के लिए t का वैल्यू मिनिमम होगा, कौन बताएगा? इसको बताना है हाथ खड़ा करिए, t के किस वैल्यू के लिए x के किस वैल्यू के लिए t मिनिमम होगा, t का वैल्यू मिनिमम किस x के लिए मिलेगा, कौन बताएगा? आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इसके इक्वल कब होगा, यही पूछ रहा हूँ मैं, ये इसके इक्वल किस एक्स के लिए होगा ये पूछ रहा हूँ मैं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये इसके इक्वल कब होगा, मतलब ये इसके इक्वल कब होगा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये इसके इक्वल कब होगा, तो एक्चुअली हम आस्किंग ए एम जी एम बराबर कब होंगे, तो ए एम और जी एम बराबर कब होते हैं, जब नंबर्स इक्वल होता है, ए एम जी एम इक्वल होते हैं जब नंबर्स इक्वल होते हैं, नंबर्स मतलब ये तीन तो इक्वल है, अगर चारों को इक्वल होना है तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि वैल्यू ऑफ x बताइए फॉर विच दिस इज मिनिमम, सो यू विल मेक द नंबर्स इक्वल, x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 12, 1 बाई 12, तो 1 बाई 12 की पावर 1 बाई 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन विल बी लीस्ट, तो हमने दोनों काम कर लिया, नंबर वन मिनिमम वैल्यू क्या है, नंबर टू मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, मिनिमम वैल्यू एक तो क्या होगी, दूसरी बात वो कब मिलेगी, किस x के लिए मिलेगी, दोनों काम हो गया। मगर आपको ये भी लगता होगा कि ओके आप इसको तीन भागों में तो बहुत तरीकों में ब्रेक कर लेते, ये क्योंकि हमने ऐसे ही ब्रेक किया, नहीं करते अपन तो इसको ऐसा कर देते कि इसको ब्रेक कर लेते 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/4x, बताओ ऐसा भी हो जाता कि नहीं हो जाता, इन तीनों का सम भी यही होगा नहीं होगा, एक तरीका दो तरीका आप तो इनफाइनाइट तरीके से ब्रेक कर लेते, मगर ए एम जी एम यहाँ लगाते तो भी एक्स कट जाता, अरे भाई एक्स तब भी तीन नीचे आता तीन ऊपर आता तब भी कट जाता, जो रिक्वायरमेंट था तो भी फुलफिल होता, मगर आंसर अभी कुछ और आया तभी कुछ और आता, वाई दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, जो पहले किया वो सही है जो बाद में बताया वो गलत क्यों है, कौन बताएगा? ऐसा नहीं करना है ऐसा ही करना है, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? हाँ बिल्कुल आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, बस फर्क ये होगा कि जब ए एम जी एम लगाओगे तो ए एम ग्रेटर देन जी एम होगा, इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी कब आ सकती है
इक्वालिटी तभी आती है जब नंबरों के इक्वल होने का भी उम्मीद हो। अगर आपने टी को ब्रेक किया 1, 2, 3, 4 इन चार नंबरों में, तो वो चारों इक्वल तो अब हो ही नहीं सकते, चारों इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए इक्वालिटी कभी आएगी नहीं। तो आंसर आपका तब जो आएगा तो टी ग्रेटर देन समथिंग आएगा। अगर टी ग्रेटर देन समथिंग है, इक्वालिटी नहीं आई, तो उसको आप लीस्ट वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों? अरे भाई, बोलने को तो मैं ये भी बोल देता आपको कि साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस टेन, गलत बोला क्या? गलत तो है नहीं, साइन का वैल्यू माइनस टेन से तो बड़ा ही होगा हमेशा। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू माइनस टेन हो गया। अगर इक्वालिटी नहीं आ रही तो इस वैल्यू कोई मतलब बचता नहीं है फिर। क्या बोला, कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई, साइन तो माइनस वन टू वन होता है। अब मैं कहता हूँ साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस हंड्रेड है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत तो है नहीं। बट दैट डजंट मीन कि माइनस हंड्रेड उसका लीस्ट वैल्यू हो गया। लीस्ट वैल्यू होने के लिए ग्रेटर देन या इक्वल टू भी होना चाहिए, उसके बराबर भी हो रहा हो और उससे बड़ा हो, तब मिनिमम वैल्यू होता है ना वो। तो ये गलत है, ये सही है। क्या बात क्लियर है सभी को? आई टी जेई 2011 में एक प्रॉब्लम आया था, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स ए की पावर माइनस फाइव, ए की पावर माइनस फोर, थ्री ए की पावर माइनस थ्री, वन ए की पावर एट, ए की पावर टेन। ए पॉजिटिव, आपको इनके सम का मिनिमम वैल्यू बताना है, बताइए क्या होगा? इनके सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब आपको ऐसे नंबरों में ए एम जी एम लगाना पड़ेगा कि ए एम में तो इनका सम आ जाए और जी एम में ए का कैंसिलेशन हो जाए। क्यों कैंसिलेशन हो जाए? अभी तक देख चुके हैं दो प्रॉब्लम अपन। जी एम में जब ए कटेगा तभी तो लीस्ट वैल्यू आ पाएगा सम का। तो आप ऐसे नंबरों के बारे में सोचिए जिनको जोड़ने पे तो इन्हीं का सम आता हो मगर मल्टीप्लाई करने में ए कट भी जाता हो। कितनों को समझ में आ गया? हाँ, मिनिमम वैल्यू क्या आया? क्या आ रहा है? एट आ रहा है। यस, कितनों का एट आ रहा है? और कुछ आंसर है किसी का? देखिए बहुत आसान है, आप देखो ना ऊपर कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है, ए एडीन आ रहा है ना पावर ए का, नीचे कितना आ रहा है? नाइन और थ्री ट्वेल्व आ रहा है। तो मतलब आपको स्प्लिट करना है, मगर किसको? नेगेटिव पावर वालों को आपको स्प्लिट करना है। तो आपको इसको ब्रेक करना चाहिए तीन बार में, ये थ्री लिखा है ना, तो थ्री ए की पावर माइनस थ्री को आप ए की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस थ्री तीन बार लिख लो, तो कितना हो जाएगा पावर बताओ? अभी क्या हो जाएगा? अभी कितना हो गया? माइनस एटीन हो गया, यहाँ प्लस एटीन आ गया, कट जाएगा। तो कितने नंबरों में एम जी एम लगाना है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ नंबरों में एम जी एम लगाओ, तो क्या होगा? एम एम सबको जोड़ो, इनका सम क्या मिलेगा? यही मिलेगा आपको, मतलब इन्हीं का सम मिलेगा आपको। कितने नंबर हैं ये? एट नंबर हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होगा? जी एम मल्टीप्लाई करो, जब सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ रहा है ए का पावर? एटीन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? माइनस एटीन, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में एटीन आ रहा है, कट जाएगा। क्या बचा? वन। तो इसके सम का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? दिस सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एट आ रहा है। सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर वाले टाइप के प्रॉब्लम में ही आया था। देखिए, अब आपको लगता होगा कि हम क्या पता कुछ और ब्रेक कर लेते, इन्हीं को क्यों ब्रेक किया, इसको ही क्यों ब्रेक किया? क्या देखते हैं? मैंने बताया था अभी, क्या देखते हैं? कुछ भी कैसा भी मर्जी नहीं ब्रेक कर सकते,
उनका इक्वल होना भी जरूरी है. ऑफकोर्स देयर इज अ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑल दीज नंबर्स विल बी इक्वल. इनका इक्वल होना भी जरूरी है. व्हाट इज दैट? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताओ ए का किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा? इसके सम का मिनिमम वैल्यू 8 आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है. कब होगा? जब सारे नंबर बराबर होंगे. सब नंबर बराबर क्या होंगे? 1 होंगे. जब ए 1 होता है तो सारे नंबर बराबर हो जाएंगे, 8 हो. बात क्लियर है ये? तो ए का वैल्यू 1 होने के लिए इसका सम मिनिमम होगा. मिनिमम वैल्यू जो पूछा गया था दैट इज 8. एक्स अगर एक्यूट एंगल है तो आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का. आपको इसका लीस्ट वैल्यू पता करना है. एंड एक्स यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल है तो ये भी पुराना एक आईडी का प्रॉब्लम है. मगर अक्सर लोग ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए कैलकुलस का यूज़ करते हैं, बट कैलकुलस का मेथड यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका नहीं है. हो तो जाता है, बट ऑफकोर्स AMGM ही इसका बेस्ट उपाय था. AMGM में कई बार कई लोग जो कॉमन गलतियाँ करते हैं, मैं बताता हूँ. अब मान लीजिए आपने क्या है, AMGM लगा दिया, बिल्कुल लगा सकते हैं बिकॉज नंबर्स आर पॉजिटिव. ठीक है, AMGM मैंने लगा दिया, क्या हो गया? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना, स्क्वायर कर दिया मैंने. नथिंग रॉन्ग इन दिस. अभी हमने TRI के समय डिस्कस किया था इसका रेंज, आपको याद है? इसका वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है. ठीक है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है इसका? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √2 है. तो ये अगर मैक्सिमम होगा तो पूरा ये भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? इट इज फर्दर लेस देन इक्वल टू 1 + √2/2 का स्क्वायर. इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है. राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग. क्या गलत है? गलती क्या कर दी? इससे छोटा ये है और इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है √2 होता है, बट इसका मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं होगा. ये गलत है, ऐसा नहीं करना है. मेरा जो क्वेश्चन था मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालोगे, इट्स रॉन्ग. क्या गलती हो गया इसमें? ऐसा क्या गलती है? क्यों नहीं करना है ये? हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू √2 है वो π/4 पे आएगा. π/4 1 √2 + 1 √2 2 √2 क्या होता है? √2 होता है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसका लिया है √2 वो π/4 पे आता है. एंड π/4 वेरी वेल लाइज इन दिस इंटरवल, नथिंग रॉन्ग इन दैट. हाँ, क्या है, कौन बताएगा वाई दिस इज रॉन्ग? आप सोचो ना, अभी तक जो भी इसके पहले हमने प्रॉब्लम किया, जब वो नंबर AM साइड आता था तो हमने कोशिश किया GM में कट जाए. क्यों कोशिश किया? ये गलती ना हो इसलिए. अब यहाँ पे क्या गलती होता है देखो, क्यों हम वहाँ बार बार GM में चीज़ें चाह रहे थे सब कट जाए? आप बताइए, ये इक्वालिटी का होल्ड करेगा? AM इक्वल टू GM ये इक्वालिटी का होल्ड करेगा? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स विल बी इक्वल व्हेन x इज π/2. ऑफकोर्स π/2 पे चलो क्लोज भी कर देता मैं,
पाई बाय टू पे क्लोज्ड है मान लो, दीज नंबर्स आर इक्वल व्हेन एक्स इज पाई बाय टू, ये इक्वालिटी होल्ड करता है पाई बाय टू पे। ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है? पाई बाय फोर पे, अभी बताया मैंने। तो ये इसके इक्वल है पाई बाय फोर पे, ये इसके इक्वल है पाई बाय टू पे, ये तीनों इक्वल कभी नहीं है। तो अगर आपको इसका कुछ कंक्लूजन लिखना है तो आप ये जरूर लिख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दिस, दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 1 प्लस रूट टू बाई टू का स्क्वायर एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेस देन नॉट इक्वल टू। इक्वल टू कब आता? इक्वल टू कब आता? जब ये इक्वालिटी और ये इक्वालिटी होल्ड करती फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स, तब यहाँ इक्वालिटी आता और तब आप बोल पाते इसका ये मिनिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। आप समझ गए? जो मैंने किया ये हमेशा गलत नहीं होता, कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। यहाँ गलत है, सही कब होता है? सही होता है तब जब ये वाला इक्वालिटी, ये वाला इक्वालिटी या और भी अगर इक्वालिटी है, वो सारा इक्वालिटी अगर एक साथ फॉर सेम एक्स होल्ड करे तब आप ऐसा बोल सकते हैं। अदरवाइज आपको ये बोलना पड़ेगा जो कि कोई काम का नहीं है। कोई काम का क्यों नहीं है? इसका मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं है ना। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इक्वालिटी भी यहाँ आना चाहिए था। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट डजंट गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मिटा दूं ये सब? ये वाला गलती समझ में आ गया क्या होता है? अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो चलो मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। आपको पता है कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो पक्का पॉजिटिव ही होगा, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँगा तो रूट लेके उसका मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा। स्क्वायर मैंने कोई कारण से किया है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का 3 पावर। ये आ गया, बताओ क्लियर है? साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, फैक्टराइज हो गया, 1 माइनस कॉस ये रहा, 1 प्लस कॉस इसके साथ ये हो गया। क्लियर है? ओके, अब AMGM अपन लगाने वाले हैं। अब AMGM लगाएंगे, कोई मुझे बता सकता है किन नंबरों में AMGM लगाएं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाए, मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाए और ऐड करूं तो कॉस एक्स कट जाए, ऐड करूं तो एक्स कट जाए। यही तो हम AMGM में पहले भी चाहते थे, GM में सब कुछ कटाना चाहते थे, अभी AM में चाहते हैं। AM में कट जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। कैन यू थिंक अबाउट द नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड में ऐड करने पे कॉस एक्स कटता हो? ऐसे नंबरों में AMGM आपको लगाना है। हाँ, किसी कुछ क्लिक कर रहा है? इन चारों को अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा? इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स बाय थ्री, कॉस एक्स बाय थ्री, कॉस एक्स बाय थ्री, कॉस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स 3 बार आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 बार आएगा और आपको ये टर्म मिल जाएगा। अब इसमें AMGM लगा देते हैं। इन चारों में आप AMGM लगा दो। AM मतलब सबका सम, सबका सम कितना आएगा? यहाँ कितना आया? कॉस एक्स कट गया, 1 बाई थ्री, 1 बाई थ्री, 1 बाई थ्री, 1, 1 प्लस 1, 2, 2 बाई फोर हाफ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3, इधर पे फोर्थ पावर कर लो, 1 बाई फोर था यहाँ 4 हो गया, दैट्स टी।
टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? टी का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 3/16, यही आ रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 3/16 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 3/16 है, तो उसके रूट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बिकॉज हमें पूछा गया था प्रॉब्लम में नॉट दिस, इसका स्क्वायर रूट, उसको स्क्वायर करके ही आया था, तो मैं उसका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू? इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ये 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 क्यूब था, रूट 27/4 आएगा ये, बता सकता है यहाँ पे? मैंने पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा, कोई बताएगा आप में से मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स के लिए मिल रही है? ऑफ कोर्स आई एम आस्किंग इन द इंटरवल 0 to π/2 फॉर एक्यूट एंगल्स, आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज मैक्सिमम। एक्स का वैल्यू बताना है जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है मालूम चल गया, कब होगा वो बताना है आपको। कौन बताएगा मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा आपको? आपको मैंने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब ये इसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ए एम जी एम बराबर होगा जब नंबर्स इक्वल होंगे, नंबर्स इक्वल होंगे 3 तो इक्वल है ही, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो 1 cos x / 3 शुड बी 1 cos x, तो 4 cos x शुड बी 2, मतलब cos x आया हाफ, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? π/3। जब cos x हाफ होता है मतलब जब x π/3 होता है, देन दिस फंक्शन विल बी ऑफकोर्स मैक्सिमम। Find maximum value of x cube y की पावर 6। Find maximum value of x cube into y की पावर 6। 2x + 7y अगर 9 है, 2x + 7y अगर 9 है, एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 6 का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कैसे करें जरा बताइए। अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करना है तो ये पक्का जीएम साइड आना पड़ेगा, ये जीएम साइड आना पड़ेगा। अभी ये तो आपको 2x + 7y दिया है, तो अगर ये जीएम साइड में आना है तो एक्स कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। वाई कितनी बार आना चाहिए? 6 times। अगर 3 times x चाहते हो, y को 4 times चाहते हो, y को 6 times चाहते हो, तो कैसे ब्रेक करोगे इसको? क्या बात है, क्लियर है भाई? 2x में मेरे को x 3 बार चाहिए था, x 3 बार चाहिए था, मतलब मैंने 2x को 3 भागों में ब्रेक कर लिया, 2x/3, 2x/3, 2x/3। 7y को क्या करें अपन? y कितनी बार चाहिए आपको? 6 times चाहिए, तो आप उसको ब्रेक करिए 6 times, 7y/6, 7y/6। नाउ टेल मी दीज नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर 9 पॉजिटिव रियल नंबर्स, इनमें ए एम जी एम लगा सकते हो, ए एम जी एम लगा दो यहाँ पे, इन 9 पॉजिटिव रियल नंबर्स में आप ए एम जी एम लगाइए, क्या आता है जरा लिखना एक्सप्रेशन? 1, ए एम 1 समझ में आ गया सभी को? भैया 9 नंबरों को आप जोड़ोगे, इन सबका सम क्या है? 9। ए एम मतलब सबका सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, जी एम क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, 2x/3 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 7y/6 मल्टीप्लाई होगा 6 times, होल पावर 1/9। यहाँ 1 आ रहा है,
वन की पावर नाइन कर दोगे तो भी वन रहेगा उधर, वो तो वन ही रहेगा। क्या मिला? टू क्यूब एक्स क्यूब बाई थ्री क्यूब इंटू सेवन की पावर सिक्स बाई सिक्स की पावर सिक्स इंटू वाई की पावर सिक्स लेस देन इक्वल टू वन। फाइनली एक्स क्यूब वाई की पावर सिक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री क्यूब इंटू सिक्स की पावर सिक्स बाई टू क्यूब इंटू सेवन की पावर सिक्स। देखो अब आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिक्स को ब्रेक कर लेंगे टू इंटू थ्री करके, टू की पावर सिक्स थ्री की पावर सिक्स, थ्री यहाँ पे टू यहाँ पे कटेगा, जो भी बचेगा थ्री सेवन में आ जाएगा। सभी क्लियर है बातें? तो वो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू है। कोई बताएगा आपको मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स वाई के लिए मिल रहा है? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन एज मैक्सिमम? इक्वालिटी होल्ड करेगी, इसके लिए मैक्सिमम होगी जब ये इक्वल होगा, जब यहाँ इक्वल होगा, जब यहाँ इक्वल होगा, जब यहाँ इक्वल होगा, मतलब जब नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। नंबर्स इक्वल है मतलब नंबर अगर सारे इक्वल है तो ये तो पहले से इक्वल है, ये तो पहले से इक्वल है, सभी इक्वल हो गए। नाइन नंबर्स का सम नाइन होता है और हर नंबर इक्वल है तो हर नंबर क्या होना पड़ेगा? वन 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 वन, सबको वन होना पड़ेगा। इसका मतलब 2x by 3 वन है, 7 by y by 6 भी वन है, यहाँ से x 3 by 2 आता है, यहाँ से y 6 by 7 आता है। x1 की पावर m, x2 की पावर m, x3 की पावर m, होल xn पावर m होल बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू x1 से xn तक का सम बाय n होल पावर m। ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है इफ m बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 टू 1। m 0 से 1 छोड़ के कुछ भी होता है तो ये इससे बड़ा होगा, प्रोवाइडेड ऑल द नंबर्स x1, x2, x3, x4 आर पॉजिटिव। इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड अगर m 0 से 1 में है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है अगर m का वैल्यू 0 से 1 में होता है। एंड LHS RHS दोनों इक्वल होता है अगर m 0 या 1 होता है। अगर m 0 या 1 होता है मतलब m 0 या 1 ही है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 0 से 1 में है तो इनइक्वालिटी ऐसा होगा, एंड ऑफ कोर्स ये इससे बड़ा हो जाएगा अगर m कुछ भी होता है एक्सेप्ट 0 टू 1। हो गया, सबने लिख लिया ये? बताओ, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी बाई फोर, रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर, इनमें बड़ा कौन है, LHS या RHS? इन दोनों में बड़ा कौन है? किन्हों लगता है LHS बड़ा है? किन्हों लगता है RHS बड़ा है? M क्या है? हाफ। M यहाँ पे हाफ है, M 0 टू 1 में लाई करता है, हाफ है। A की पावर हाफ, B की पावर हाफ, C की पावर हाफ, D की पावर हाफ बाई नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर हैं? चार। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स बाई फोर होल पावर हाफ। यही इनइक्वालिटी यूज हुआ है लेस देन इक्वल टू, बिकॉज M यहाँ पे 0 टू 1 में लाई करता था, इट वॉज हाफ। क्लियर है? वही अगर ऐसा रहा होता
अभी क्या होता, अभी लेफ्ट साइड बड़ा होगा, M5 है वहां पे, यहां पे इक्वालिटी कब होल्ड करती है? ऑफ कोर्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, अगर नंबर्स इक्वल हुए तो इक्वालिटी यहां भी आएगी, नंबर्स इक्वल हुए इक्वालिटी यहां भी आएगी। कॉचीज स्क्वायर्स इनइक्वालिटी भी होता है, एक आपको याद रखना होता है वो ये होता है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर टिल yn स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x1 y1 x2 y2 टिल xn yn का होल स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 अप टू yn स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉचीज कॉस्ट इनइक्वालिटी बोलता है। पैकेज में भी दिया हुआ है और क्वार्टिक के पैकेज में भी था, तो आप में से किसी को याद है डिराइव कैसे होता था? बिकॉज क्वार्टिक के बुकलेट में इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ था, एक इलस्ट्रेशन में था वो, और वहाँ पे लिखा भी था आपको उसको याद रखना है। तो कितनों को इसका डेरिवेशन याद है कि ये वहाँ आया कैसे था? एक्स वन एक्स प्लस वाई वन एक्स टू एक्स प्लस वाई टू एक्स थ्री एक्स प्लस वाई थ्री एक्स एन एक्स प्लस वाई एन। बताओ ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे परफेक्ट स्क्वायर्स का सम तो पॉजिटिव ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं सारे, एन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम पक्का पॉजिटिव होगा नहीं होगा? फॉर ऑल रियल एक्स ऐसा ही होगा। आई ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर सब ओपन कर लेता हूँ। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर टिल एक्स एन स्क्वायर नाउ टू एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू टिल एक्स एन वाई एन x प्लस वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर टिल वाई एन स्क्वायर दिस इज ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ऐसा होगा या नहीं? मैंने ओपन कर लिए सारे ब्रैकेट, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अपन ने सारे ब्रैकेट ओपन कर लिए। पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है, कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है, पैराबोला ओपन्स अप। अगर उस पैराबोला के ग्राफ को पॉजिटिव होना है हमेशा, देन डी हैज टू बी नेगेटिव, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका आप अगर डी नेगेटिव करोगे तो यही आएगा, ये डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव समझ गए? डी मतलब बी क्या है इसका, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए, इसका डी नेगेटिव कर दो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या है कैसे आता है? तो आपको भी इसको याद रखना है।